दोस्तों वेलकम टू टेक्विल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यू ब्लड फाइंड ब्लड डोनर ऐप जो है क्या है और किसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इस तरह का लोगो आपको देखने मिल जाता है यू ब्लड डोनर का। और ये जो है यू ब्लड डोनर फाइंड ब्लड डोनर, आपको अगर आप चाहते हैं कि कोई ब्लड डोनर आप चाहते हैं, आपको ज़रूरत है ब्लड की, तो इसमें आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ब्लड बैंक, जैसे हम बार बार जाना पड़ता है, तो यहीं आप ऑनलाइन ब्लड डोनर फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो कोई ब्लड डोनर जो बैठा है ऑनलाइन वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और उससे आप डायरेक्ट ब्लड जो है ले सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें इसके अंदर में आपको मिलती हैं और हम देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे यू ब्लड में आप जो है दोस्तों बिल्ड टू सेव लाइट, लाइफ को सेव करने के लिए ऐप को बनाया गया हुआ है। और इसमें आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं खुद का, कितने बार आपने जो है साइन अप जो है इसमें आपको आराम से आप कर सकते हैं, ब्लड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और क्विक प्रोसेस है जिसमें आपका मोबाइल नंबर, पेशेंट का नाम नंबर वगैरह आप डाल के बस आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट ब्लड डाल सकते हैं कि आपको कौन सा ब्लड चाहिए। इजी नेविगेशन है दोस्तों, जिसमें आप ऑनलाइन आप जो है मैप वगैरह इसमें दिए हुए हैं तो आप नेविगेट कर सकते हैं कि कहाँ हमारा डोनर है और वो कब तक पहुँच जाएगा हमारे पास में। तो ये सारा कुछ आप इसके अंदर में दोस्तों कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन आपको आएगी, जैसे आप किसी को ब्लड देते हैं तो आप भी ब्लड अपना किसी को देने का पसंद करेंगे, है ना। तो आप जैसे किसी से ब्लड लेते हैं तो आप उस ब्लड भी वापस आप जो है दे सकते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर डोनर बन के इसमें जुड़ सकते हैं और रिक्वेस्ट आने पर आप उसको एक्सेप्ट करके जा सकते हैं। तो हम चलिए ऐप को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आते ही साथ ही आपसे जो है कंटिन्यू विथ आपका मोबाइल नंबर मांगता है, गेट ओटीपी पे क्लिक करवाता है, जिससे कि आप अपना ओटीपी यहाँ पे डाल के और मोबाइल को अपने रजिस्टर कर लेते हैं, वेरीफाई पे क्लिक कर देता है। और यहाँ पे इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश क्या है, और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना उपनाम, जन्म तिथि, तारीख, इसके अलावा अपना आपका रक्त समूह क्या है, ए प्लस, ए माइनस, बी पॉजिटिव, ए बी माइनस, ए बी पॉजिटिव, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। डालने के बाद में कृपया स्थान का चयन करें, तो यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन डाल देना है कि आपकी लोकेशन क्या है। इसके बाद में आपको सहमत हैं और साइन इन पर क्लिक कर देना है। रक्त का अनुरोध करें, दाता के रूप में जारी रखें, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं। तो रक्त का आपको अगर अनुरोध करना है तो इस पर आपको रेड वाले पे क्लिक करना है। और इसके बाद में रक्त का प्रकार, जैसे कि आपको कौन सा रक्त चाहिए है ना, रक्त चाहिए या प्लेटलेट्स चाहिए हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मरीज का नाम क्या है ना, तो हम यहाँ पर अभी कुछ भी नाम डाल देते हैं आपको बताने के लिए। इसके बाद में प्रतिभागी मोबाइल नंबर क्या है, तो आप यहाँ से चाहें तो उस डोनर का डायरेक्ट नंबर डाल सकते हैं, या मतलब जिसको ज़रूरत है पेशेंट की या उसके माँ बाप की या जो भी संपर्क जल्दी उठा सके। इसके बाद में रक्त समूह का चयन करें, तो यहाँ पर आपको कौन सा ब्लड ग्रुप आपको चाहिए है, जैसे कि ओ बी माइनस या ओ प्लस, जो भी चाहिए। इसके बाद में आवश्यक तारीख कब है, मतलब 30 तारीख को चाहिए, जैसे आज 8 तारीख है, 9, 10 तारीख कब चाहिए आपको, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 10 डाल देते हैं। इकाई का चयन करें, अब इकाई में यहाँ पे आपको कितनी चाहिए है, एक चाहिए है, दो चाहिए है, कितने आपको यहाँ पे चाहिए है, तो वो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक यूनिट ब्लड चाहिए, दो यूनिट चाहिए, है ना। कृपया स्थान का चयन करें, तो आपको किस कौन से स्थान में चाहिए। अब स्थान आपका यहाँ पर दोस्तों बाजू में एक लोकेशन वाला ऑप्शन भी दिया है, तो यहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने किसी हॉस्पिटल का नाम डाला है ना, तो मेडिकल हॉस्पिटल में डाल देता हूँ, तो हॉस्पिटल जबलपुर है ना, तो मैंने ये डाला, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, तो यहाँ पे मुझे चाहिए है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि नाजुक, अगर संभावित दाताओं के लिए अतिरिक्त नोट, अगर नाजुक है हालत, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब बिल्कुल सीरियस है प्रॉब्लम है, तो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे मैंने इसे ठीक से पढ़ लिया है और मैं इससे सहमत हूँ, इस पर क्लिक करना है और अनुरोध भेजें पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो जिन जिनके पास में आपने जो जानकारी भरी है इससे रिलेटेड, जिसके पास में आपका होगा उनके पास में वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से आपको जो है दोस्तों इसका अनुरोध ऐसे करना है। इसके बाद में रक्त का अनुरोध करने वाले ऑप्शन में हम अभी हैं। इसके अलावा यहाँ पर दान करने का ऑप्शन है, तो आपका रक्त समूह, जो आपका रक्त समूह है उसमें आप दान कर सकते हैं। उसमें जो नोटिफिकेशन आपको आएगी उस पर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे अन्य रक्त समूह, जैसे ए एक बी माइनस का यहाँ पे डिमांड है जबलपुर के अंदर में ही, है ना। ऐसे ही कि ए माइनस की भी 2 यूनिट्स की डिमांड है, इनको आप क्लिक करके खोल सकते हैं। और खोलने के बाद में आप देख सकते हैं कि लोकेशन इसकी कहाँ पर है, कहाँ इसकी ज़रूरत है, है ना। अगर आप जो है ज़रूरत है इसको अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए यहाँ से, तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे अन्य लोग हैं उनको भी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, वो यहाँ से आके इससे इस ऐप के थ्रू उसको जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दान करें में अन्य रक्त समूह में आपको जो है यहाँ पे किसी किसी का है, तो वो डायरेक्ट इसमें आके अपना रजिस्ट्रेशन करके उसको कह सकता है कि हाँ मेरा ये समूह है और मैं दान करना चाहता हूँ। इसके अलावा हम दोस्तों होम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अदर ऑप्शन भी आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको यू सेवर आईडी ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, आपका समूह क्या है वो देखने को मिल जाता है, है ना। इसके अलावा यहाँ पर 3-4 ऑप्शन और है, दान करना, रक्त का अनुरोध करना, है ना। इसके अलावा यू एस
ए वर्स निकट, तो ये कुछ ऐसा है कि USR लाभार्थी का एक ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है, तो लाभार्थी पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो जिन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ब्लड किसी पे है ना, तो और या किसी को लव मिला है तो उनके यहाँ पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप उनको देख सकते हैं और उनके आप यहाँ पे सर्टिफिकेट भी ओपन करके देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे ब्लड दिया है, और तो उन सब के बारे में आप यहाँ पे उनको खोल के चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ योगदान वाला ऑप्शन है, योगदान वाले में अगर आप कोई राशि डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डोनेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा आपको डेमो कि यू ब्लड जो फाइंड ब्लड डोनर है ऐप को कैसे यूज़ करें और कैसे इसको चलाएं। तो आई होप आपको समझ में आ गया।